गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ. एज यू नो दैट आई हैव टीज यू एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर इट. टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज. यू विल लुक नाउ इन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. व्हाट योर क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स. अपने बुक में आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक में. यहाँ पे देखिए आपको दिए गए हैं 1 से लेकर के 6 तक का, 1 to 6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. आप इसको कैसे फिलअप करेंगे अभी हम आपको रूल्स बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इस ब्लैंक स्पेस को फिलअप कर देंगे. फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे दिया है आपको 1 मिलियन इक्वल टू थाउजेंड्स. ये देखिए 1 मिलियन दिया गया है, ये आपको बता दिया गया है. ये किस सिस्टम में है? इंटरनेशनल सिस्टम में है. और इसको चेंज करना है थाउजेंड्स में, यानी इंडियन सिस्टम में चेंज करना है. आपको किस में दिया गया है? मिलियन जो है इंटरनेशनल सिस्टम में, आपको इसे चेंज करना है किस में? इंडियन सिस्टम में. तो फर्स्ट देखेंगे 1 मिलियन दिया गया है. आप पहले 1 मिलियन यहाँ पर नोट कर लेंगे, देखेंगे 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है. ये देखिए आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000. आप देखे होंगे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 10,000 के बाद 100,000 जाता है, उसके बाद आपका मिलियन होता है. बट इंडियन में क्या होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाता है. तो आपको अब इसे किस में चेंज करना है? थाउजेंड्स में. अब इसमें आप थाउजेंड्स डिवाइड कर देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. आप 1 मिलियन में थाउजेंड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. यहां पे जीरो को जीरो से आपको क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है. 3 0 यहां पे थे, 3 0 कैंसिल आपका हो गया. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. आप यहां पे क्या फिलअप करेंगे? थाउजेंड फिलअप करेंगे, यानी 1 मिलियन. 1 मिलियन में आपका कितना थाउजेंड्स होगा? 1,000 thousands इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मिलियन. इसी तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे दिया गया है 1 मिलियन को आपको लैक्स में चेंज करना है. यू विल चेंज 1 मिलियन इनटू लैक्स. इट इज इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड यू विल चेंज इट्स इन इंडियन सिस्टम. तो इसको भी आप सेम इसी तरह से करेंगे. पहले आपको 1 मिलियन नोट करना है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन आपका हो गया. अपान किस में चेंज करना है? लैक्स में. अब यहां पे लैक्स करेंगे इंडियन सिस्टम. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 के बाद आपका क्या आता है? लैक्स आता है. इंडियन सिस्टम में क्या आता है? 10,000 के बाद लैक्स आता है. तो यहां पे देखिए सेम उसी तरह से जीरो को कैंसिल किए हम. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 0 आपका नीचे का कैंसिल हुआ और ऊपर का हमने इसको भी 5 0 कैंसिल कर दिया, यानी आपको क्या मिला? 10. यू गेट 10. यू विल फिल अप हियर 10. मींस 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs. 10 lakhs इक्वल टू 1 मिलियन. एज लाइक दिस यू कैन सॉल्व From 3 to 6. Now I will tell you question number 3. Question number 2 में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे शेयर करेंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने नोट किया है, इसको देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट मीन्स क्या करना? आपको लिखना है प्लेस वैल्यू, आपको बताया गया होगा स्थानीय मान. आप 5 का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक न्यूमेरल्स में क्या करना आपको? 5 का
प्लेस वैल्यू नोट करना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स दिया गया है, इतना लंबा नंबर दिया गया है, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़, टेन करोड़ में आपको नंबर दिया गया है। बट यू विल सिलेक्ट ओनली फाइव, केवल आपको फाइव का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको फाइव दिया गया है, फाइव नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसको यहाँ पे नोट करके देखेंगे कि फाइव किस प्लेस पर आ रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, इंटू टेन लाख यहाँ पे कर दीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, इक्वल टू। अब यहाँ पे जीरो, जितने भी जीरो हैं आपको यहाँ पे नोट कर देना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो यहाँ पे नोट कर दिए। उसके बाद आपने लिख दिया फाइव, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, यानी फिफ्टी लाख आपको मिल गया इसका क्या प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसी का सेकेंड दिया गया है, इसमें भी आपको केवल फाइव का ही प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, ओनली यू विल सिलेक्ट प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव। तो यहाँ पे सेकेंड आपको दिया गया है, यहाँ पे सेकेंड में भी आपको फाइव का ही प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। आपने फाइव जो दिया गया है इसका आपने यहाँ पे नोट कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखेंगे किस प्लेस पर, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख पर है, तो वन लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, वन लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, वन लाख इंटू फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस, फाइव लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, फाइव लाख इसका क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगा। इट इज सो सिंपल। नाउ यू विल सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ इन होमवर्क। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन देन विल शेयर बाय द कमेंट बॉक्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।